जापान जो था जिसने पूरी दुनिया को तबाह मार दिया था, पर्ल हार्बर दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा था जहां सुबह 7 बजे जापान की वायुसेना घुसती है और 10 बजे तक तबाह करके आ जाती है। अमेरिका का सबसे बड़ा पर्ल हार्बर सैन्य अड्डा को जापान तबाह कर दिया और अमेरिकी राष्ट्रपति ने जापान से कहा कि ऐसा तुमने क्यों किया, कहा कि आप बहुत आगे जा रहे थे, हमारे पास 2 रास्ते थे, आपको बहुत हम आगे जाए या तो आपको थूर दे, हमने आपको थूर दिया, अब आप 150 साल तक हमारी बराबरी नहीं कर सकते, हम टेंशन फ्री अब दुनिया पे राज करेंगे। ये लॉजिक था जापान का और रियलिटी भी यही थी क्योंकि जापान जिस हिसाब से बढ़ रहा था उसे दबाने वाला केवल अमेरिका था, जर्मनी भी नहीं था, अमेरिका उसे आने वाले 20 साल में दबा सकता था। तो जापान के राजाओं को सलाह दिया गया कि या तो आप अपनी रफ्तार को 4 गुनी बढ़ा दीजिए या तो अमेरिका को 50 साल ठोक के पीछे भेज दीजिए। ठोक के 50 साल पीछे भेज दिया। वो कहते हैं ना कि दिन खराब रहे तो ऊंट पे बैठे आदमी को कुत्ता काट लेता है। अरे यार, परमाणु बम बनाने का कार्यक्रम चल रहा था, ऑपरेशन मैनहट्टन। तो ऑपरेशन मैनहट्टन को कामयाब होना था 1945 में नहीं बल्कि वो और डिले होता 1946-48-50 तक जा सकता था, लेकिन परमाणु बम का सोचा टाइम से पहले बना दिया सब। ऑपरेशन ट्रिनिटी जो व्हाइट सैंडी में किया गया था वो आगे हिस्ट्री में आपको पढ़ाएंगे, उसे जो पहले ही बन गया, वहां पे परमाणु बम बन के रेडी हो गया और जितना उम्मीद किया गया था उससे 20 गुना ज्यादा तगड़ा निकला, वहां पे ले आके हिरोशिमा नागासाकी में पटक दिया, जापान ठंडा गया। वरना हकीकत यही है कि अगर एटम बम नहीं रहता ना तो जापानी आज दुनिया में जापान का बोलबाला रहता, और हम जो अंग्रेजी सीख रहे हैं ना, अंग्रेजी पूरी दुनिया को जापान धोया रहता, हम जापानी सीखते चाओ चाओ कहीं चाओ चाओ चाओ। तो युद्ध से बहुत खतरनाक चीज है। कब